हैं आज क्या करते हैं देखते हैं। NJ 11 खपाट, जिनके कप्तान है मुदस्सर भाई, एक बेहतरीन कप्तान, अनुभवी कप्तान। आज क्या करते हैं अपनी कप्तानशिप में हर के बार कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। अंपायर की भूमिका अभी ठुमर और अक्षर कल्याणी। बॉलर नाम पड़ी जाओ के ना आखो नाम बोल तेरे पापा थोड़ा क्या है रूसी अल्पेश भाई घर है राज जो है आई नो चढ़ाई। बॉलर नाम आर्यन, बॉलिंग में आर्यन, कीपिंग में मुदस्सर भाई, मैन फ्रॉम पोरबंदर। बस इनके लिए फील्डिंग की सजावट देखे तो डिप्स के लेग बाहर और मिड विकेट बाहर। पहली गेंद इस इनिंग के आर्यन द्वारा, पहली गेंद पर रिवर्सिप, बेहतरीन फील्डिंग, एक रन से अपना खाता खोलते हुए और टीम का भी खाता खोलते हुए बशीर कपड़वन जी। हेलो, स्ट्राइक पे ऊपर किशन, बात की जाए तो इस ग्राउंड पर उनका हाईएस्ट स्कोर है 82 रन। अब आर्यन टू किशन, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का 31 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। प्रतीक छू के चला ये खबर में यदन हो बैठ। अगली गेंद फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली है, अंपायर उतार रखा जो। आर्यन तो किशन, कवरेज में गेंद जाती हुई 2 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। किशन अपना खाता खोलते हुए 2 रन से। और ये कीपर चेंज होते हुए, अंपायर उतार रखो जो अंपायर। डॉट बॉल, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं गेंद। 3 गेंदें हुई है 4 रन, चौथी गेंद लेकर आर्यन सामना करेगा किशन। मिड विकेट रिजर्व में खेलना चाहते थे, नाकामयाब रहते हुए डॉट बॉल। आप सभी मुकाबले YouTube लाइव और भी देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए GTC गुजरात टेनिस क्रिकेट।
अंपायर वाइड का इशारा। पहले ओवर की आखिरी गेंद आना से अच्छा, 5 गेंदे हुए, 5 रन कन्हैया लवन। और ये मिस फील्डिंग, होलू होलू चौका, स्कोर आगे बढ़ता है। अडूज नहीं भाई हमारे था, वायरलेस लेता हूँ जो बंसल अमलाणी भव्य स्पोर्ट सीटों ते सासाई गाड़ी नंबर 6। अंपायर उतर रखा जो थोड़ी बाहर निकलती हुई गेंद, बसेर कपड़ वजी को सब समझ में ही नहीं आई, डॉट बॉल।
लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक थ्रो करते, एक रन दो ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ 12 रन एक विकेट के नुकसान पर कन्हैया 11 उपलेटा। कन्हैया 11 उपलेटा की बात की जाए तो पहले सीजन में वह चैंपियन रही थी। काफी सपोर्ट रहता है इस टूर्नामेंट में कन्हैया 11 का भी, जिनके कप्तान है कांत भाई सुआ, वो भी उपलेटा में नाइट टूर्नामेंट करते हैं। बेहतरीन टूर्नामेंट गोंडल में भी होगी 25 तारीख को शुरू होती हुई हैरी कप गोंडल, जिनमें एंट्री फी है ₹10,000 और विजेता पुरस्कार है ₹2,00,000। सौराष्ट्र की बड़ी टूर्नामेंट हैरी कप गोंडल, पहली गेंद पर अशोक ने एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 13 रन। अब स्ट्राइक पर किशन, मिड विकेट रिजर्व में गेंद जाती हुई है, एक रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। काफी धीमा खेल रही है आज कन्हैया 11। किशन की बात की जाए तो 7 गेंदों में 8 रन पर और अशोक 3 गेंदों में 3 रन पर। गेंद का टप्पा पड़ा नहीं पड़ा वो देखना होगा, दोनों ही अंपायर अंपायर का डिसीजन आउट। अब नए बल्लेबाज संजय भाई, संजय भाई की बात की जाए तो वह उपलेटा, संजय भाई उपलेटा के सचिन तेंदुलकर, संजय भाई की बात की जाए तो वह सिक्का 11 उपलेटा की ओल्ड इज गोल्ड फेमस टीम थी, उनमें भी खेला करते और आज भी उनका क्रिकेट वैसा के वैसा। वैभव कप पहले सीजन में भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था संजय भाई ने। फिटनेस क्रिकेट यानी कि फिटनेस, इस टूर्नामेंट के सबसे बड़ी उम्र वाले संजय भाई, और ये दिशा देते हुए मना कर दिया किशन ने। तीसरे ओवर की 4 गेंदें हुई है, अगर कन्हैया 11 को मैच में आना है तो संजय भाई को ही खेलना होगा। ऑल्ड इज गोल्ड 24 कैरेट हॉलमार्क,
एक रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। अब स्ट्राइक पर किशन, अंपायर का इशारा देखना होगा। वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। किशन आखिरी गेंद पावर प्ले की बेहतरीन शॉट और ये वन अबाउ से फॉर्म, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन।
वही बहु का पसीजन भाई, ये 2023 जिनके मुख्य स्पॉन्सर है जयेश भाई रादड़िया, बोलर नाम जय, साथ ही स्पॉन्सर जलाराम फर्नीचर, नीलेश भाई, राधे रस डिपो, शेरणी मोरी रस मीठो, राधे रस डिपो, जाऊ भाई बालदा, कृष्णा बेकरी, राजू भाई बालदा, बालाजी व्यापार, पार्थ भाई, भाग्य लक्ष्मी मिनी वॉल्व मिल, अक्षर भाई गोयणी, स्टालिया पीनट बटर, प्रतीक पटेल, रीन सेराट, मेहुल भाई, अगली गेंद रिवर्सिप खेलना चाहते थे लेकिन नाकामयाब, आज किशन के बल्ले पर बैठ ही, और ये डायरेक्ट हिट, और ये दूसरा रन ओवर थ्रो का, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26-26 रन, किशन के बल्ले पर गेंद आती नहीं है, आज क्या खा के आए किशन, कि भीमानी साहब की नजर लग गई, हो किशन भीमानी साहब की नजर लग गई, और ये जैसे भीमानी साहब का नाम सुना कैच ड्रॉप, स्कोर आगे बढ़ता है 27-27 रन, बुराई का पोटला यानी कि भीमानी साहब, अगली गेंद जय तो संजय भाई, और यह क्लीन बॉल, कन्हैया विलन को लगने वाला यह तीसरा झटका, अभी छेला बोले हुआ सिंगल ने, सिंगल
बंसल खुद का तीसरा और टीम का छठा वो लेकर। और ये गेंद एक्स्ट्रा कवरेज में बेहतरीन फील्डिंग, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। इस बीच बाउ ना 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 बाउ माउ अगली गेंद बंसल तो किसान, और ये हेलीकॉप्टर शॉट और ये छक्का किशन के बल्ले से निकलता हुआ, ये पहला छक्का और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन 41 रन। तीसरी गेंद लगा बंसल, बेहतरीन शॉट कवरेज में, लेकिन खिलाड़ी नीचे मौजूद है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन। किशन खेल रहा है 17 गेंदों में 28 रन 12। किशन को आक्रामक मोड में आना पड़ेगा अब। कामली फ्रॉम जयपुर, जड़ में डाली हुई गेंद डॉट बॉल। इस ग्राउंड पर कामली का भी रिकॉर्ड है 53 रन का एक दिवसीय टूर्नामेंट में। क्या आज वो बारी देखने को मिलेगी जामगढ़ की जनता को? नहीं, गेंद बल्ले पर आई नहीं है, नीची रहती हुई गेंद डॉट बॉल, तेज करार गेंद थी। छठे ओवर की आखिरी गेंद बंसल टू कामली, कामली बूम बूम कामली, और ये गति परिवर्तन कामली को समझ में नहीं। ओवर की समाप्ति स्कोर 6 ओवर की समाप्ति स्कोर हुआ 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर कन्हैया 11 उपलेटा। अब गेंदबाजी पर जय, खुद का दूसरा और टीम का सातवां ओवर लेकर। रिवर्सिंग पर यह बेहतरीन छक्का, दूसरा छक्का किशन के बल्ले से निकलता हुआ अपनी लय में आते हुए किशन कन्हैया लाल की जय। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। इक्कीस तारीख को महामुकाबला है, महामुकाबला यानी कि परिवर्तन 11 उर्फ सिंबल 11, जिनमें हमारा लोकल बॉय अभी ठुमार, चिराग पटेल यानी कि भीमाणी साहब, अरविंद सिंह जाडेजा, दिव्यश रामानुज चीनी, हरदेव सिंह वाड़ा काला काला इंदुबा और शक्ति सिंह जाडेजा और मिलन देगामा, पारस बालदा, रोहित बालदा और सिराज कड़ीवार। 50,000 रुपये क्या फटाके के स्पॉन्सर है अक्षर भाई खुयानी उस मैच में। थैंक यू अक्षर भाई खुयानी। सीजन 5 2023 जिनके मुख्य स्पॉन्सर है हमारे दारा सभ्य श्री जयेश भाई रादड़िया, साथ ही स्पॉन्सर जलाराम फर्नीचर नीलेश भाई, कृष्णा बेकरी राजू भाई बालदा, राधे रस डिपो जऊ भाई बालदा, स्टालिया पीनट बटर प्रतीक पटेल, भाग्य लक्ष्मी ऑयल मिल,
अक्षर भाई गोयानी, रिंस राड, मेहुल भाई, बालाजी वेफर्स, पार्थ भाई, दावत सोडा, कन्हैया मार्केटिंग। बेहतरीन गेंदबाजी डॉट बॉल। अगली गेंद जाई खाली, और यह दूसरा रन चुराने में भी कामयाब, मिस फील्डिंग। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन मुकम्मल करते हुए कन्हैया 11 उपलेटा। तीन गेंदें हुई इस ओवर की, चौथी गेंद लगा जाय तो किशन रिवर्सिप, लेकिन एक रन ही मिलेगा और ये थोड़ी सी मिस फील्डिंग है, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाए है। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 91 रन। अब स्ट्राइक पर कामली, स्ट्राइक रोटेट करते हुए है कामली, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन। सातवें ओवर की आखिरी गेंद आना से ऐसा, क्या इस गेंद पर बाउंड्री मिलेगी? और ये शायद आउट, बल्लेबाज खेल दिल्ली दिखाते हुए है बल्लेबाज किशन। सात ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ 52 रन, 4 विकेट के नुकसान पर कन्हैया 11 और नए बल्लेबाज। कमलेश भाई से बेस्टमैन नु नाम, कमलेश रबारी, काना रबारी। एकलो रबारी पड़े लाखों पर भारी, क्या आज कन्हैया 11 के लिए विमल राठौड़ बॉलर अंपायर। ओके कामली, कान्हा बेहतरीन शॉट, और कामली के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन। छिछू वाला भाई बोल अब जू आप जो बोल, नीचे थी बोल आप जो। आपे ये बोल क्यों हो अक्षर भाई? नियाज रख जो बोल छक्का, दूसरा छक्का, लॉन्ग लॉन्ग इस टूर्नामेंट का ये लंबा छक्का, लगातार दूसरा छक्का।
फिर से बेहतरीन शॉट और यह तीसरा छक्का हैट्रिक छक्का इस टूर्नामेंट का कामली के नाम ही है। यह रिकॉर्ड कामली के नाम है इस टूर्नामेंट का, लगातार तीन गेंद पर तीन छक्के है। बढ़िया बल्लेबाजी कामली द्वारा। कामली की बात की जाए तो आठ गेंदों में 20 रन और इनमें तीन छक्के शामिल। अब बॉलिंग में फड़फड़ाहट और यह है वापसी करते हुए क्लीन बॉल, नीचे रहती हुई गेंद। पांचवा झटका लगता हुआ कन्हैया 11 को और यह उपलटा के जाने माने जय भोले यानी कि धवल चंद्रवाड़िया। धवल चंद्रवाड़िया दो गेंद पर दो छक्के लगाते हैं तो उसे अरविंद सिंह जाड़ धवल चंद्रवाड़िया मैन फ्रॉम उपलेटा दोनों ओर खेलते हैं और शिव बाबा के भगाता जय केदारनाथ। इस गेंद पर क्या करते धवल और ये भोले बाबा नाराज होते हुए डॉट बॉल। आठवें ओवर की आखिरी गेंद आना से ऐसा विमल टोप दबला अंपायर का इशारा देखना होगा। अंपायर का इशारा बल्ले का या ओवर की समाप्ति बल्ले का। अभी भी दो ओवर बाकी है, दो ओवर में कितने रन बटोर पाती है कन्हैया 11 उपलेटा। हमारे साथ स्कोरर अरविंद सिंह बता रहा है कि दो ओवर में कम से कम 30 रन तो ले गए क्योंकि दोनों के दोनों बल्लेबाज। स्कोर हुआ 71 रन पांच विकेट के नुकसान पर, 71 रन 71 रन पांच विकेट आठ ओवर। अंपायर उतावर रखा जो मुदस्सर भाई उतावर रख जो मुदस्सर भाई बॉलिंग में बॉलर कंटिन्यू। अभी तो नाम से आर्यन और ये लगने वाला ये छठा झटका धवल के रूप में। अब शायद नए बल्लेबाज जिलानी बापू हो गए। जी हाँ
कर दे भाई बंद जल्दी। फिर से रिवर स्वीप, लेकिन पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई। शायद 2 रन मिलेंगे, नहीं 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 रन। खाना रबारी एक रन ने स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77। आगे आके उठा दिया और एक्स्ट्रा कवरेज में 2 रन मिल गए, नहीं मना कर दिया। अब केवल 7 गेंदे बाकी है और ये बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, 2 रन नहीं ले रहे हैं। 78 रन, 9 ओवर की आखिरी गेंद। किलानी बाबू 10 10 ओवर में छह दौड़ जो नो दौड़े ने इमरान बबराना हम छे। आखिरी गेंद खाना रबारी स्ट्राइक पर रिवर्सिप डॉट बॉल। 9 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ 78 रन 6 विकेट के नुकसान पर। कन्हैया 11 उपलटा। अठ्याहत्तर ओवर 6 विकेट आणि 9 ओवर झालेले आहेत। आवाज नाही मराठी ना, अरे 9 ओवर झालेत ना। अठ्याहत्तर ओवर बोलत आहे। बोल बोल। अभी भी 6 चिंडू बाकी है ना। अठहत्तर धावा छह चिंडू सास चिंडू ना के गिंडू। आखिरी ओवर डॉट बॉल, 5 गेंद आना शेष। 5 गेंदों पर कितने रन बटोर पाती है कन्हैया 11। जिलानी बापू की बात की जाए तो 4 गेंदों में 6 रन पर, और काना रबारी जो कि 2 गेंदों में कोई रन नहीं। अंदर आती हुई और नीची रहती हुई गेंद, तीसरी गेंद आखिरी ओवर की। लॉन्ग ऑफ रिजम में दौड़ो 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 दौड़ा।
दो रन चुराने में कामयाब, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन। दौड़ से कन्हैया, जीत से कन्हैया। अगली गेंद, बेहतरीन शॉट है लेकिन नीचे खिलाड़ी मौजूद, और ये आसान सा कैच है, इसी के साथ लगने वाली है 7वां झटका कन्हैया 11 को। बल्लेबाज कमलेश रबारी, अब दोनों ही बल्लेबाज, कमलेश रबारी और काना रबारी, दो गेंद पर क्या करते देखते हैं। कमलेश रवारी स्ट्राइक पर, रिवर्सिप लेकिन नाकामयाब। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 रन, आखिरी गेंद आना शेष। अब स्ट्राइक पर खाना रवारी, आखिरी गेंद, और यह क्या ड्रॉप, 2 रन चुराने में कामयाब। और ये शायद चौथा रन नहीं, 3 रन, 3 रन मिलेंगे।
जिलानी बापू, ओहर ये विकेट का पतन, एक विकेट के नुकसान पे 3 रन। जिलानी बापू अपने कोटे का और टीम की ओर से पहला ओवर लेके इस ओवर की 2 गेंद शेष। एंजॉय 11 को लगने वाला पहला झटका, नहीं है बल्लेबाज बंसल। हल्के से खेल दिया है, एक ही रन से संतोष बैट्समैन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पे आखिरी बॉल शेष। सामना करेंगे मुद्दसर। हल्की सी आवाज आई यहाँ पे, ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद स्कोर पहुंचाए 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पे एंजॉय 11 खपत। नए बॉलर दर्शन गनी लेफ्ट आर्म। उपलब्धता से ताल्लुक रखते हैं दर्शन, काफी बढ़िया बॉलिंग करते हैं, बाहर निकलती हुई गेंद डालते हैं। जाम करोड़ा छोर से हल्के से खेल दिया है, फील्डर के पास एक ही रन से संतोष। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6। अगला मुकाबला इस टीम में से जो जीतेगी वो पावन 11 के सामने खेलेंगी। ये रन आउट का खतरा था, लेग बाय का इशारा अंपायर की ओर से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन, दूसरी ओवर का खेल जारी। उठाकर मारना चाहते थे, बेट और बॉल का संगम नहीं यहां पे, बॉल बेट होते हुए बैट्समैन। दूसरी ओवर की 3 बॉल शेष। काफी बढ़िया बॉल, बाहर निकलती हुई बॉल, बैट्समैन को समझ नहीं आई। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन।
रिवर्स शॉट उठाकर मारना चाहते थे, पूरी तरह बल्ले पे नहीं आई। बाइक के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7। आखिरी बॉल शेष, सामना करेंगे मुद्दसर। वापिस उठाकर मारना चाहते थे। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे एंजॉय 11 खपट। बॉल पर 78 रन की जरूरत एंजॉय 11 जीतने के लिए। अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम के औसत तीसरा ओवर लेके जिलानी बापू। खेल दिया है मिड विकेट, एक ही रन से संतोष। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे, बेसमैन को बॉल साइड लगी है यहाँ पे, देखते अंपायर उतार राज्यों जरा रेडी थी गई हुई तो मेरे ख्याल से ये बॉल आंख में लगी थी शायद। और यहीं पे रुका हुआ 9 रन, 3 बॉल शेष, तीसरी ओवर का खेल जारी। ये उठाकर खेल दिया है कवर के द्वारा, बॉल जाती हुई बाउंड्री की ओर,
और ये चार रन, सीमा रेखा से बाहर चार रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। बॉल ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा 18 एक विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर का खेल समाप्त, मतलब पावर प्ले अब खुल जाएगा। बयालीस बॉल में 67 रन की जरूरत। एंजॉय 11। दर्शन गनी अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की ओर से चौथा ओवर लेके जाम करोड़ा छोड़ से। ए उठा दिया है लोंगोन क्षेत्र में, फिल्डर उसके नीचे है और ये कैच ड्रॉप। दो रन चुरा लिए यहाँ पे, दो रन बचाए अपनी टीम के जिलानी बापू ने। काफी बढ़िया फील्डिंग का नजारा यहाँ पे। वापिस खेल दिया है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, बसीर के पास बॉल, एक ही रन से संतोष। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। बाउंड्री की ओर बॉल जाती हुई, चार रन, काफी बढ़िया शॉट लगा यहाँ पे, फील्डर से दूर बॉल और बाउंड्री को जीती हुई चार रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25। तीन बॉल हो चुकी है, तीन बॉल शेष, चौथी ओवर का खेल जा
अंपायर की भूमिका में अक्षय कोयानी, अभी ठुमर जो एक परिवर्तन के खिलाड़ी है और एक साथी इलेवन के खिलाड़ी, जिलानी बापू अपने कोटे का तीसरा ओवर और टीम की ओर से पांचवा ओवर लेके, जिलानी बापू दो ओवर में 15 रन एक विकेट लिया, ये उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन में, फील्डर उसके नीचे एक ही रन से संतुष्ट, काफी बढ़िया फील्डिंग का नजारा करते हुए यहाँ पे। जिलानी बापू सामना करेंगे बंसाल, ये उठाकर मारा है फील्डर उसके नीचे और ये कैच यानी के विकेट का पतन, दो विकेट के नुकसान पे 27 रन। जिलानी बापू काफी जाने माने बॉलर है, काफी वेरिएशन वाले बॉल डालते हैं, बैट्समैन को चकमा दे देते हैं। अगले बल्लेबाज राज वोरा, ये हल्के से निकालना चाहते थे, फील्डर के हाथ में बॉल, स्कोर यहीं रुका हुआ 27, दो विकेट के नुकसान पे, तीन बॉल शेष। काफी अच्छी बॉल, अंपायर का इशारा वाइट, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। जिलानी बापू ये उठा दिया है, अच्छी बॉल डाली थी यहाँ पे, उठाकर मारना चाहते थे, पूरी तरह बल्ले पे नहीं आई बॉल। पांचवी ओवर का खेल जारी, दो बॉल शेष। ये रन आउट का खतरा हो सकता है, एक ही रन से संतोष बैट्समैन, आगे स्कोर बढ़ता हुआ 29। आखिरी बॉल और ये विकेट का पतन, तीन विकेट के नुकसान पे 29 रन, पांच ओवर किया खेल समाप्त। तीस गेंदों में 56 रन की जरूरत, अगर ये मैच जीतना है तो थोड़े लंबे लंबे हिट लगाना पड़ेंगे। अगले बल्लेबाज रवि मुद्दसर का स्थान लेंगे, रवि दर्शन गनी अपने कोटे का तीसरा, वो टीम की ओर से छठा ओवर लेके,
लेग बाय के एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30। उठाकर मारना चाहते थे, पूरी तरह बॉल बल्ले पे नहीं आई। एक ही रन से संतोष, एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। बाहर निकलती हुई बॉल काफी बढ़िया बॉल थी। दो बॉल शेष, छठे ओवर का खेल जारी। और ये मिस फील्डिंग, खामियां वहां भुगतना पड़ा 4 रन के द्वारा। किशन बल्लेबाजी काफी अच्छी की थी किशन ने, मगर 4 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35। आखिरी बॉल शेष, ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 35, 3 विकेट के नुकसान पे। 24 गेंदों में 50 रन की जरूरत जीतने के लिए एंजॉय 11 खपट को, मतलब 4 ओवर में 50 रन की जरूरत। इसके बाद बड़ा मुकाबला होगा, इसमें से जो टीम जीतेगी वो पावन 11 के सामने खेलेगी। ये रिवर्स खेल दिया है, बॉल जाती हुई बाउंड्री की ओर 4 रन। चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। अगली गेंदबाजी संभाली है अजय बारोट, अपने कोटे का पहला और टीम की ओर से 7वां ओवर लेके पहली बॉल पे बाउंड्री। बस निया 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 पाछर थोड़ो काम, आम थोड़ो आम आम तारी पाछर आ बस निया। अगर ऐसी बाउंड्रीज लगेगी, लंबे लंबे हिट लगेंगे तो शायद मैच में आ जाएंगे। अभी बाउंड्री लगाना अनिवार्य हो गया है। करीबन 12 का औसत,
ये उठाकर खेला है बाउंड्री की ओर, अंपायर का इशारा, 6 रन। 2 बॉल में बड़ी बाउंड्री मिली यहाँ पे, काफी देर बाद देखने को मिला। अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेल दिया है, 6 रन के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45, 3 विकेट के नुकसान पे। 22 गेंदों में 40 रन की जरूरत। अगर ऐसे लंबे लंबे हिट मिलेंगे तो मैच बनेगा। उठाकर वापस खेलना चाहते थे, पूरी तरह बल्ले पे नहीं आई बॉल यहां पे। 7वीं ओवर का खेल जारी, 3 बॉल शेष। वापस खेल दिया कारपेट द्वारा, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46। इस 7वीं ओवर की 2 बॉल शेष, अजय बारोट। उठाकर मारना चाहते थे, पूरी तरह बल्ले पे बॉल नहीं आई, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। थोड़ी सी मिस फील्डिंग यहाँ पे, पर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बैट्समैन को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47, 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छा शॉट, कवर में खेल दिया है, फील्डर उसके पीछे, ये रन आउट का खतरा हो सकता है। 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। 7वीं ओवर का खेल समाप्त, स्कोर पहुंचा है 49। 18 गेंदों में 36 रन की जरूरत यहाँ पे एंजो 11 खपत को जीतने के लिए। अठारह बॉलों में 36 रन। कामली किरीट, बशीर कपड़वंजी फील्ड सजाते हुए अपनी टीम की, काफी मैचों का अनुभव है। कमलेश रबारी, ये है थोड़ा सा एक लिया यहाँ पे विकेट का पतन। चार विकेट के नुकसान पे 49 रन।
ये रन आउट का खतरा यहाँ पे, डायरेक्ट हिट लगती तो शायद रन आउट होते। मनीष एक रन से अपना खाता खोला यहाँ पे। एंजो इलेवन के 51 रन पे 4 विकेट के नुकसान पे। पंद्रह बॉलों में 34 रन की जरूरत। सॉरी 50 रन वापस उठाकर मारना चाहते थे। पूरी तरह बल्ले पे नहीं आई बॉल, डॉट होती हुई बॉल। 3 बॉल शेष, 8वीं ओवर का खेल जारी। विकेट रन आउट होके पेवेलियन में वापस। आर्यन ये उठा दिया है, फील्डर बॉल से दूर, एक रन से ये मिस फील्ड होती हुई, 2 रन लेने में कामयाब बैट्समैन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53। आखिरी बॉल शेष, 8वीं ओवर का खेल जारी। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर के बाद 53 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब 12 बॉल में 32 रन की जरूरत एंजो इलेवन को जीतने के लिए। करीबन 16 की औसत से खेलना पड़ेगा। वापिस अजय अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की ओर से 9वां ओवर लेके। एक ओवर में 14 रन दिए थे अजय ने।
एक ही रन से संतोष बेसमैन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन। और ये लंबा हिट, काफी देर बाद बढ़िया शॉट देखने को मिला यहां पे, काफी बढ़िया शॉट। अगर ऐसे लंबे हिट मिलेंगे तो मैच बना रहेगा। 10 गेंदों में 25 रन की जरूरत, अभी लंबे हिट लगाने पड़ेंगे। जोंटी रोड्स, बशीर कपड़वंजी, जोंटी रोड्स, काफी बढ़िया फील्डिंग का नजारा। अपने टीम के 3 रन निश्चित रूप से बचाए यहाँ पे। अंपायर का इशारा वाइड, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62। 3 बॉल शेष यहां पे, 9वीं ओवर का खेल जारी। उठाकर मारना चाहते थे, पूरी तरह बल्ले पे नहीं आई बॉल। बैट्समैन ए उठाया है बॉल, फील्डर उसके नीचे और ये विकेट का पतन। काफी बॉल हवा में गई थी, बढ़िया कैच यहाँ। ये छठा झटका लगता हुआ एनजे 11 खपट को। आखिरी बॉल, नौवीं ओवर की समाप्ति, 6 बॉल में 23 रन की जरूरत। एंजो 11 को जीतने के लिए 6 बॉल में 23 रन की जरूरत। आखिरी ओवर का खेल, 10वां ओवर लेके अजय बारोट,
और ये छक्का, काफी देर बाद अच्छा शॉट देखने को मिला, मैच में थोड़ी जान डाली यहाँ पे मनीष ने। मनीष 6 बॉल का सामना करके 16 पे खेल रहे, उसमें 2 बढ़िया बाउंड्री छक्के के रूप में। अभी 5 बॉल में 17 रन की जरूरत। और ये बहुत ही लंबा छक्का, मैच में थोड़ी सी और जान डाल दी। अब मेरे ख्याल से थोड़ी मीटिंग होगी, चर्ची होगी। 4 बॉल में 11 रन की जरूरत, मैच को आगे ले जाते हुए मनीष परमार। काफी 2 बॉल में बढ़िया हिट काफी देर बाद देखने को मिले और मैच का थोड़ा मोड़ा, रास्ता मोड़ा यहाँ पे मनीष ने। थोड़ी जान डाली मैच में। अभी 4 गेंदों में 11 रन की जरूरत यहाँ पे एंजो 11 खपत को जीतने के लिए। अभी मनीष खड़े है तो टीम का हौसला भी काफी बुलंद है यहाँ पे। और ये बाउंड्री की ओर बॉल जाती हुई, फील्डर के पास से निकलती हुई, 4 रन 3 बॉलों में 16 रन यहाँ पे। जीतने के लिए 3 गेंद में 7 रन चाहिए, मतलब कि 1 बाउंड्री आएगी तो मैच का पलड़ा कभी भी गिर सकता है। मेरे ख्याल से अब मैच में थोड़ी जान आई यहाँ पे। रोमांचक भरा मैच लास्ट ओवर में देखने को मिला यहाँ पे, काफी बढ़िया बैटिंग का नजारा। और ये बॉल हवा में, फील्डर उसके नीचे, और कैच ड्रॉप, मतलब मैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप मतलब मैच ड्रॉप। 2 रन चुरा लिए और ये 3रा रन लेना चाहते थे, मगर मनीष ने मना किया कि भाई मैं खेलूंगा, मैच को मैं समाप्त करूंगा यहाँ पे। 2 बॉल में 5 रन की जरूरत। देखिए मैच कहां से कहां ले गए मनीष, अपनी टीम का हौसला बुलंद करते हुए 9 बॉल में 28 रन पे खेल रहे हैं मनीष। काफी बढ़िया बैटिंग, काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां देखने को मिली लास्ट ओवर में। अभी चेहरे थोड़े मायूस देखने को मिल रहे हैं यहां पे। बॉल में 5 रन की जरूरत, अगर एक लंबा हिट लगेगा तो मैच कभी भी पलट सकता है यहां पे। काफी बढ़िया बॉल, बाहर निकलती हुई बॉल। अभी 1 बॉल में 5 रन की जरूरत एंजो 11 को जीतने के लिए। अगर बाउंड्री मिलेगी मतलब कि 4 रन मिलेंगे तो शायद ड्रॉ होगा यहाँ पे, और छक्का मिलेगा तो जीत हासिल करेंगे।
काफी अच्छी बॉल डाली, जड़ में हुई बॉल और एक ही रन लिया मेरे ख्याल से और ये मैच यहाँ पे समाप्त। बढ़िया बैटिंग का नजारा यहाँ पे, काफी देर बाद अच्छे शॉट देखने को मिले एंजॉय इलेवन के बैट्समैन के बल्ले से। एक कन्हैया उपलेटा इलेवन ने मैच जीत लिया है। काफी अच्छे बल्लेबाजी यहाँ पे मनीष के द्वारा।